हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम यूपीपीसीएस का टेस्ट 3 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम टेस्ट 4 को कंटिन्यू कर रहे थे। टेस्ट 4 में ऑलमोस्ट हमने 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट एट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पर मीटअप करते हैं? तो ये आप में से कईयों को पता है, ऑप्शन डी नीलगिरी हिल्स पे इनका मीटअप होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। विच अमंग द फॉलोइंग आर द मोस्ट ईस्टर्न एंड मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी का ईस्टर्न और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बताना है। ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन ए है देवरिया एंड सहारनपुर, ऑप्शन बी मऊ एंड आगरा, ऑप्शन सी सोनभद्र एंड गाजियाबाद, एंड ऑप्शन डी इज बलिया एंड शामली। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा बलिया एंड शामली। बलिया आपका हो जाएगा सबसे ईस्टर्न, और वहीं शामली की बात करें तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा यूपी का। वहीं अगर देखें नॉर्थ में सबसे जो होगा वेस्टर्न बॉर्डर होगा वो डिस्ट्रिक्ट होगा सहारनपुर, और साउथ में अगर एक्सट्रीम डिस्ट्रिक्ट देखें तो हो जाएगा सोनभद्र। आपको जो यूपी का एक्सट्रीम बाउंड्री है वो एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल। ऑप्शन ए पीलीभीत, ऑप्शन बी महाराजगंज, ऑप्शन सी सीतापुर, एंड ऑप्शन डी बलरामपुर। तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा सीतापुर। सीतापुर का बॉर्डर नेपाल के साथ टच नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 104। विच ऑफ द फॉलोइंग पियर्स इज नॉट करेक्टली मैच। रिवर वैली प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ जो रिवर एसोसिएटेड है वो दिया गया है। ऑप्शन ए में देखे बाण सागर प्रोजेक्ट सोन रिवर के साथ एसोसिएटेड है, सही है। भद्रा प्रोजेक्ट चेनाब रिवर के साथ एसोसिएटेड है। दुर्गा बैराज प्रोजेक्ट दामोदर रिवर के साथ एसोसिएटेड है, एंड ऑप्शन डी काकरापारा एसोसिएटेड विथ ताप्ती। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट में आप देखो तो भद्रा प्रोजेक्ट कहाँ पे आप देखोगे तो कर्नाटका में है, और चेनाब आपको पता है कि चेनाब ऊपर पैर, तो यहाँ पे बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 105। अरेंज द फॉलोइंग कैपिटल्स ऑफ इंडिया इंडियन स्टेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमें अरेंज करना है ईस्ट टू वेस्ट में कैपिटल्स को। ऑप्शन अगर देखो हैदराबाद, आइजोल, भोपाल और इम्फाल। अगर आप अरेंज करोगे तो आप सबसे पहले ईस्ट टू वेस्ट लगाना, तो ईस्ट में आप देखोगे हो जाएगा आपका इम्फाल, उसके बाद आइजोल, देन हैदराबाद, उसके बाद भोपाल। अगर आंसर देखो आप इसका तो आंसर हो जाएगा 105 का ए। क्वेश्चन नंबर 106। हु वाज गिवन अ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड फॉर 2020। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ऑप्शन बी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एंड ऑप्शन डी इज ग्रीन पीस इंटरनेशनल। बात करें इसके आंसर की तो इस ये अवार्ड जो मिला है वो मिला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 107। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पार्क प्रोजेक्ट। स्टेटमेंट 1, इट इज़ लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। स्टेटमेंट 2, अंडर द प्रोजेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हैज़ डेवलप अ डमरू इंस्पायर्ड लेटेस्ट विच शो अ ट्रिमेंडस एप्लीकेशन इन वाइब्रेशन आइसोलेशन। अगर बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ना होके IIT कानपुर होगा जिसने इस डमरू को डेवलप किया है, तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 108। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन अ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी 10th, ऑप्शन सी 21st, एंड ऑप्शन डी इज 57। तो आपको पहले तो ये बताना है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंक किसको मिला है। आप समझ पा रहे होगे मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट डाउन में आप मुझे बताना फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक किसको मिला है। बात करिए अभी के आंसर की तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा 10th रैंक मिला है इंडिया को,
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 109 विद रेफरेंस टू द संकल्प प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल करेक्ट। अगर आपने स्कीम वाली वीडियो अगर देखी है तो वहाँ से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट वन की बात करते हैं, इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। स्टेटमेंट टू, अंडर इट अ स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर वर्कर्स इन अ जौनपुर एंड महाराजगंज वॉज कंडक्टेड। तो बात करें स्टेटमेंट वन की, तो स्टेटमेंट वन बिल्कुल ही गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का ये प्रोग्राम नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स का है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड में ये जो जौनपुर और महाराजगंज की बात की गई, ये बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे आंसर आप देखो तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाइदर वन नॉट टू, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 110, विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैज रीनेम द दंदूपुर रेलवे स्टेशन एज माँ बहरी देवी धाम। इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। यूपी का एग्जाम सॉल्व कर रहे हो आप, आपको पता होगा ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, इन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर देयर इज अ डिस्टिंक्ट जोन वेयर सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इंक्रीजेस शार्पली, इट इज नोन एज। इसका आंसर हो जाएगा हेलो क्लाइन। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा है उनको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 112, द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशियन इज। डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है इंडियन ओशियन में, तो इसका आंसर हो जाएगा जावा ट्रेंच, सबसे डीपेस्ट है इंडियन ओशियन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 113, विद रेफरेंस टू द लेयर ऑफ एटमोसफेयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, द टेम्परेचर डिक्रीजेस कंटिन्यूसली एज वी मूव फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर टू एक्सोस्फेयर। स्टेटमेंट सेकेंड, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्टेटमेंट थ्री, ट्रोपोस्फेयर इज द ओनली लेयर विच हैज अर्थ क्लाउड। तो यहाँ पे जो सबसे पहले एक्सट्रीम वर्ड को पकड़ो, तो एक्सट्रीम वर्ड आपको देखने को मिल रहा है कि ओनली, तो जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड होता है 99% आपको वहाँ पे एलिमिनेट कर देना चाहिए, तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। स्टेटमेंट फर्स्ट को आप देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली नहीं होता है, जिगजैग वे में होता है। इन्वायरमेंट का जो आपको चैप्टर है ज्योग्राफी में, आप वहाँ पे देखोगे तो डायग्राम बनाया गया है एक, जो कि जिगजैग लेयर में होगा। तो आपको अगर डायग्राम याद है तो वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे। स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल सही है। तो बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 113 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 114, असेशन और रीजन बताना है। असेशन दिया गया, मोस्ट ऑफ हीट ऑफ एटमोसफियर इज रिसीव इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन एंड डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ सरफेस। रीजन दिया गया है, इट इज एट द अर्थ सरफेस डैट द कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन टू द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल एनर्जी टेक प्लेस। बात करें अगर आंसर की, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, बोथ असेशन एंड रीजन इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 115, मरथा वैली इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या फिर लक्षद्वीप। आप में से कईयों को पता होगा कि मरथा वैली कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये लद्दाख में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 116, नीति पास कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड एंड नेपाल, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड एंड तिब्बत। एक बात आपको बता दूं कि पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस हैं उनको आप कहीं ना कहीं नोटेड डाउन कर लो या फिर रट लो उनको, एनी हाउ निमोनिक्स बनाओ आप, कैसे भी उनको रट डालो। तो नीति पास की बात करें, तो नीति पास उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है। 116 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 117, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश आर इंक्लूडेड इन NCR नेशनल कैपिटल रीजन। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है वन डे एग्जाम्स में। बात करें NCR में कितने डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड हैं, तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा 8। 8 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है। आप कमेंट सेक्शन में आप 8 डिस्ट्रिक्ट के नाम भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है।
क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, कौन सा वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है इनमें से, साबरमती, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी लूनी एंड ऑप्शन डी ऋषिकुल्या। तो जिसको ऋषिकुल्या के बारे में पता हो वही आंसर मान ले जाएगा। आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि ऋषिकुल्या किस चीज़ के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 119, मैच करवाना है लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ, लिस्ट वन में फॉरेस्ट है और लिस्ट टू में रीजन एसोसिएटेड है जो वो दिया गया है। बात करें लिस्ट वन की तो यहाँ पे फॉरेस्ट है, अल्पाइन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कनीफेरस फॉरेस्ट एंड डी वन इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। जैसे आप मैंग्रोव फॉरेस्ट को सुंदर वन के साथ एसोसिएट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, डी का टू आपको देखने को मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 120, कंसीडर द फॉलोइंग हिल्स ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट लगाना है, महादेव हिल्स, राजमहल हिल्स, सतमाला हिल्स और गडजात हिल्स। अगर आप अरेंज करोगे ईस्ट टू वेस्ट तो इसका आंसर आप देखोगे बी। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर होगा बी, 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 121, विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया रिसेंटली एम्बार्क अपॉन अ स्कीम टू टेक अ यूनिक कल्चर ऑफ एथनिक थारू ट्राइब्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो थारू ट्राइब्स आपको पता है यूपी की है और यूपी में थारू ट्राइब्स क्यों फेमस है आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 122, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट आई एन एस सिंधुवीर के बारे में बताना है। स्टेटमेंट वन, इट वॉज रिसेंटली इंडक्टेड इन टू इंडियन नेवी। स्टेटमेंट टू, इट इज़ गिफ्टेड बाई रशिया टू इंडिया एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ये इंडियन नेवी में इंडक्ट नहीं हुई थी जबकि म्यांमार के नेवी में इंडक्ट हुई है और इंडिया ने म्यांमार को गिफ्ट किया है और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडिया ने अपना कोई शिप किसी अदर कंट्री को दिया हो। तो आपको ये चीज़ नोट करना है, इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 123, अकॉर्डिंग टू यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020, विच सिटी वॉज रैंक एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। ऑप्शन आर न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी इज लाहौर। तो आपको पता होगा इसका आंसर लाहौर। आप में से कई लोग अब करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाहौर। आपको रैंक वन पे बताना है, रैंक वन पे सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल कौन सा है आपको ये बताना है। रैंक वन पे ऑफकोर्स लाहौर ही है बट रैंक टू पे आप बताना कि रैंक टू पे कौन सा और इंडिया का रैंक क्या है, मतलब न्यू दिल्ली का रैंक क्या है आपको ये बताना है इनडायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 124, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020। इसके बारे में चार स्टेटमेंट है आपको बताना है इसका आंसर। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। स्टेटमेंट टू, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट 2020 वॉज कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स एंड वाटर बॉडीज। स्टेटमेंट थ्री, इट वॉज थर्ड एडिशन ऑफ समिट। स्टेटमेंट फोर, द थीम ऑफ इवेंट वॉज कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ लोकल रिवर्स एंड वाटर बॉडीज विथ फोकस ऑन अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे अगर देखो तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेकेंड या फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे थर्ड एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा फिफ्थ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 125, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड ग्लोबल टीचर्स प्राइज 2020। तो ग्लोबल टीचर्स प्राइज किसको मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंजीत सिंह देसाले को मिला है ग्लोबल टीचर्स अवार्ड, रंजीत सिंह देसाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 126, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वॉज गिवन बाय। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा अल्फर्ड वेजनर। क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिथियम ट्राइंगल कंट्रीज। लिथियम ट्राइंगल कंट्री में कौन सा पार्ट नहीं है, चिली, बोलोविया, पेरू
और अर्जेंटीना। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू। क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का कौन सा रिवर इसमें से नहीं है? कॉन्गो, स्नेगल, गाम्बिया और दूसरा लास्ट वन इज कैमरून। तो आप इसका आंसर देखो तो अफ्रीका की कौन सी नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, कैमरून एक वेलकनो है ना कि रिवर है। क्वेश्चन नंबर 119, द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप वोल्गा डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू। तो कहाँ पे डिस्चार्ज करता है ये सी, अपना कैस्पियन सी में वाटर डिस्चार्ज करता है। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा ग्लेशियर नहीं है? तो इसमें हिस्पर ग्लेशियर है, ऑप्शन मिलम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर एंड बंदरपुच ग्लेशियर। अगर आंसर की बात करें तो इसमें से कौन सा नहीं है उत्तराखंड में, तो ये हिस्पर ग्लेशियर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, विच अमंग द फॉलोइंग कोस्टल स्टेट हैज शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। तो शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, तो ये आप सभी को पता होगा गोवा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज लॉन्च इन ईयर। कब हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च, तो ये 1972 में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 133, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अरेंज करना है यमुना, गंडक, कोसी एंड रामगंगा, इनको अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1423, कोसी एंड गंडक आपको बिहार में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच ने मैच नहीं है, तो रिवॉल्यूशन है और साथ में प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट एसोसिएटेड है वो दिया गया है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? येलो रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन के साथ है और राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो के साथ है। तो कौन सा करेक्ट नहीं होगा इसमें 134 का? ए येलो प्रोड्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन एग के साथ एसोसिएटेड नहीं है। येलो किसके साथ है आप कमेंट में बताना मुझे एक बार, आजकल उसके रेट भी बहुत हाई हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 135, विद द रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। द नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमर्ज इन अ लेट 1960s इन वेस्टर्न वर्ल्ड। स्टेटमेंट टू द बर्टलैंड रिपोर्ट इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देर आर 18 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट थ्री तो बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे 18 ना होके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पे 135 का आंसर आप देखो तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140, विद द रेफरेंस टू द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 1, एज पर रिसेंट सर्वे इट्स हाइट has increased by 84 centimeter, ठीक। Statement B, the survey was jointly conducted by Nepal and China, ठीक है। Statement C, in a Tibetan language, the Mount Everest is known as Mount Chomolungma, यहाँ पर आप देखो Chomolungma, while in Nepalese language, it is known as Sagarmatha. And statement D is, according to the measurement done in 1954, the height of Mount Everest is 8,848 meters. तो यहाँ पे not correct बताना है हमें, तो यहाँ पे देखो तो not correct आप देखो तो यहाँ पे statement 1 गलत हो जाएगा। Question number 141, which of the following seaport form a part of Suez Canal in a Mediterranean Sea? इसका आंसर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर हो जाएगा बी पोर्ट सैड। क्वेश्चन नंबर 142, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे एलोकेटेड है, तो एलोकेटेड है कोरल सी में। क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस हैज लोएस्ट अल्बेडो। तो सबसे लोएस्ट अल्बेडो किसका होगा, स्नो, स्नेड,
टुंड्रा या फिर ओशियन का। तो इसका आंसर आप देखो तो ओशियन का ही मेरे ख्याल से सबसे कम अल्बेडो होगा। अल्बेडो क्या होता, किसका कम होगा, जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा हो हीट को, सन के जो रेज आ रहे हैं उसको सबसे ज़्यादा कौन रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, इसी प्रोसेस को अल्बेडो कहते हैं। तो ओशियन का अल्बेडो सबसे ज़्यादा होगा इनमें से। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स लाइज बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक ओशन, कोकोस प्लेट, नजाका प्लेट, कोरोलाइन प्लेट एंड फोजी प्लेट। इसका आंसर आप देखो तो 144 का आंसर हो जाएगा कोकोस प्लेट। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्स इज नॉट करेक्टली मैच, ग्रासलैंड दिया है साथ ही साथ लोकेशन दिया है, तो आप इसको अगर मैच करो तो जो मार्क है, ये मार्क हिमाचल में नहीं होगा, ये हिमाचल में ना होके ये कहाँ पे होगा, कश्मीर में होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए होगा, मार्क सही करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 146, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स। साउथ टू नॉर्थ लगाना है, झास्कर रेंज, काराकोरम रेंज, शिवालिक और धौलाधर रेंज। तो इनको अगर आप लगाओगे नॉर्थ टू साउथ नहीं, साउथ टू नॉर्थ लगाना है। तो कुछ 146 का अगर आंसर आप देखो तो 146 का आंसर जाएगा डी, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड, सबसे नॉर्थ में हो जाएगा आपका काराकोरम, नॉर्थ में सबसे काराकोरम, और अगर बात करें साउथ में शिवालिक रेंज। क्वेश्चन नंबर 147 फिर से असेशन और रीजन का है, असेशन दिया गया है, जियोलॉजिस्ट बिलीव डेट द माइटी रिवर शिवालिक और इंडो बर्मा ट्रांसवर्स द एंटायर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालय रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, शिवालिक रिवर टिम्बर्ड ड्यू टू द पेलेस्टोनिन अपहिल इन द वेस्टर्न हिमालय। 147 का आप आंसर अगर देखो तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 148, हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आर देयर इन उत्तर प्रदेश। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें तो टोटल 18 है। क्वेश्चन नंबर 149, विद द रेफरेंस टू द क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट वन, द खरीफ सीजन बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ विंटर इन अक्टूबर नवंबर एंड एंड्स इन मार्च एंड अप्रैल। स्टेटमेंट सेकंड, वीट ग्राम रेप सीड आर एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो आप इसका आंसर अगर देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ओनली बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 150, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट मिनरल्स इन इंडिया। स्टेटमेंट वन, मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स अकर इन पेनिनसुलर प्लेटू रीजन। स्टेटमेंट सेकंड, इंडिया इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे देखें तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। तो गाइज ये 50 क्वेश्चन थे हमारे टेस्ट सीरीज 4 का। तो अभी के लिए इतना ही था, थैंक्स ऑल।